24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय मोदी आर्मी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सोनू सिंह सिकरवार जी ने बोला विपक्ष की पार्टियों पर हमला। भारतीय मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सोनू सिकरवार जी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान ग्राम गुर्जा पोस्ट सकरावा ब्लॉक सौरी जिला कन्नौज में विपक्ष की सभी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी, चाहे कांग्रेस या सभी सरकारें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और सोनू सिकरवार जी ने कहा कि जब सपा सरकार यूपी में थी तब गुंडा राज कायम था, जगह जगह पर चोरियां होती थी और बीजेपी की जब से सरकार बनी है तब से सभी लोग सुरक्षित हैं। सोनू सिकरवार जी ने यह भी कहा कि 2022 में हम और हमारी बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और हर वर्ग को लेकर के हम काम करेंगे। सोनू सिकरवार जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके और मीडिया बंधुओं का सभी का धन्यवाद देकर उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। सोनू सिकरवार जी, आप मुझे ये बताइए, जो बीएसपी आज ठाकुर सम्मेलन की बात कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? ये बरसाती बैठक है। जो चुनाव आते ही समय अब इनको ठाकुर भी याद आ रहे हैं, ब्राह्मण भी याद आ रहे हैं। इससे पहले एक बीएसपी का नारा हुआ करता था, चले तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो जनता बहुत समझदार है, जनता इनके बैठावे में नहीं आएगी, जनता की बैठा में नहीं आना है, जनता ऐसा बहुत समझदार है। और इनको सिर्फ राजनीति, वोट, अपना वोट इकट्ठा करने के चक्कर में आज बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे का सम्मेलन ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज कर, तो इस तरीके से चल रहा है। आज जो इस समय राकेश टिकैत जी जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं और हर जगह वो जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? राकेश टिकैत एक दलाल है, वो कोई किसी संगठन को चलाने, वो संगठन चला रही है उसकी कांग्रेस, और कांग्रेस संगठन चलाने के समय उसका सारा खर्चा कांग्रेस उठाती है, समाजवादी पार्टी उठाती है और उन्हीं के सारों पे सारा काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत जो ये आंदोलन कर रहे हैं, इस पर कुछ पार्टी पे प्रभाव पड़ेगा? 2022 का चुनाव आने वाला है और कि नहीं पड़ेगा? जनता बहुत समझदार है और किसान हमारा बहुत समझदार हो चुका है। किसानों को सीधे, अब जो दलाली किसानों की थी खत्म हो चुकी है, तो ये दलालों को थोड़ा दुख हो रहा है। दलाल लगे हुए हैं बॉर्डर पे, दलाल जगह जगह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों की इन्होंने ब्राह्मणों के साथ में जो अन्याय किया है, ये सिर्फ ठाकुरों की पार्टी है और अदरवाइज ये ना दलित को देखते हैं और ना ही, उस पर आपका क्या कहना है? तो रिपोर्ट उठा कर देख लिया जाए कि अगर जो भी इनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मण के, तो अकेले ब्राह्मणों के अकाउंट में इनकाउंटर नहीं हुए हैं। इसमें चाहे ठाकुर हो, चाहे बीसी हो, एससी हो, एससी एसटी हो, सभी के लिए हुआ है। जो गलत है, गलत के साथ बाकी अंदर पार्टी नहीं लेती है। जो अभी ओवैसी जी ने जो बयान दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? ओवैसी आने वाले समय में जिन्ना का प्रतीक करता है, हम लोग उसे जिन्ना के रूप में एक दिन ये महसूस होगा ये जिन्ना है, क्योंकि वो मुस्लिम आरक्षण मांग रहा है। मुस्लिम आरक्षण देने के लिए सरकार आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो आरक्षण के लायक हो। सोनू सिकरवार जी, जो आप एक, मैंने ये भी सुना है कि आप भारतीय मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2022 में जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के आपकी किस तरीके से तैयारी चल रही है? हमारे संगठन की तरफ से मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी 300 के पास सरकार बनाएगी और पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और भारतीय मोदी आर्मी माननीय मोदी जी का संगठन है और माननीय मोदी जी के निर्देशों पर हम लोग सब काम करते हैं। अदर पार्टियां कह रही हैं कि इस जो बीजेपी जब से गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में हो, उस पर कह रहे हैं कि उत्तर भारत में पूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी फैल रखी है और जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही
खत्म हो गई है। अच्छा दोस्तों, तो आप सब लोग देख रहे हैं कि सरकार में जो भी सरकार ने काम किया है उस सरकार से आने वाली सरकार का भी काम किया। तो हमें पूरे 10 साल भी माननीय मोदी जी को नहीं हुए प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल, और 70 साल से जो बेरोजगारी, जो किल्लत है, जो आरक्षण, हर समय से हम समस्या में जूझते आ रहे। 70 साल को समय खत्म करने के लिए कम से कम हमें 15 साल तो चाहिए, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम समझते हैं जब तक माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इससे सब बेरोजगारी हो जाए, जैसे सब चीज़ों से निजात मिलेगा। अभी जो 5-6 महीने वाला जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या आपको कहीं विधानसभा से आपको टिकट दी जा रही है कि अभी बातचीत आपकी हुई है? अभी इसमें हमारा कोई कहना नहीं है, जैसा पार्टी का निर्देश होगा, सेंटर का निर्देश होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। इस पर सिर्फ अभी हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कहना लगे के बारे में। अगर 2022 में आपकी चुनाव, अगर 2022 में आपकी सरकार बनती है तो आप गरीबों के लिए और जो भी ये किसान की जो भी समस्याएं हो उस पर आपका पार्टी किस तरीके से काम करेगी? हमारी भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लोगों के लिए काम करेगी, चाहे वो मजदूर प्रकोष्ठ का हो, चाहे वो किसान हो, अन्यथा वो किसी भी समाज से आता हो, कोई भेदभाव नहीं है। इसका सबका साथ सबका विकास है, और सरकार बनते ही, अभी भी सरकार में है, अभी भी अच्छा काम हो रहा है, इससे ज्यादा और भी अच्छा काम होगा, ये हमारा मानना है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।